वहीं जनपद अल्मोड़ा नगर के मुख्य मार्ग माल रोड की खस्ता हाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रही है। आपको बता दें कि बीते समय नगर के शिखर तिराहे से लक्ष्मीश्वर तक जल निगम शिविर लाइन बिछाने का कार्य किया गया था, लेकिन सड़क में डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इसके तहत ही लोगों को हो रही असुविधा को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता का घेराव किया और इस दौरान विधायक ने कहा कि पिछले 6 माह से विभाग उनको झूठे वादे कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने विभाग का घेराव किया और सड़क पर 2 दिन अंदर डामरीकरण करने की चेतावनी दी। अल्मेड़ा से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। जल निगम के कार्यालय में आए हैं और अधिशासी अभियंता का घेराव किया और ये तय किया था कि अगर काम प्रारंभ नहीं होगा तो हम यहाँ पर धरने में बैठेंगे और जब तक नहीं होगा, लेकिन आज जल निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा लिखित हमें आश्वासन दिया है कि सरफेस ठीक होने का 24 तारीख की सुबह से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 3 दिन में वहां पर SDVC और BM का काम पूरा हो जाएगा। उनके इसी आश्वासन को, लिखित आश्वासन को देखते हुए हमने अपने इस धरने को यहाँ पर समाप्त किया है और उनको कहा है कि अगर 24 तारीख को काम प्रारंभ नहीं होगा तो फिर उसके बाद आपको यहाँ से पूरे बाजार में घुमाया जाए।